मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। दोस्तों, रमज़ान का महीना चल रहा है, सारा दिन रोज़ा रखने के साथ ही अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। इस साल एक रोज़ा तकरीबन 15 घंटों का है और इस दौरान लगातार भूखे रहना डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट के मन में ये दुविधा पैदा करता है कि उनको रोज़ा रखना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन अगर इन बीमारियों में भी डॉक्टरी सलाह से सही खान पान लिया जाए, सही डाइट ली जाए, सही दवाइयाँ ली जाएँ, तो आप आराम से रोज़ा रख सकते हैं। डॉक्टरों की माने तो उनका कहना है कि मरीजों को रोज़े के दौरान ब्लड शुगर की नियमित जांच करवानी चाहिए, जिससे डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने की मदद मिले। अगर दवाइयों के सहारे रोगी अपनी बीमारी को कंट्रोल रख रहा है तो इसके लिए डॉक्टरी सलाह से अपनी दवाइयों के शेड्यूल में बदलाव कर लेना चाहिए, ताकि रोज़े के दौरान किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। इसके अलावा रोज़ा रखने से पहले और खोलने पर डायबिटीज़ पेशेंट को हैवी और फ्राई फ्रूट से परहेज़ करना चाहिए। पकौड़े, मिठाइयाँ और तली हुई चीज़ें, मसालेदार खाना, सहरी और इफ्तार दोनों वक्त इग्नोर करना चाहिए। जितना हो सके प्रोटीन युक्त और रेशे युक्त चीज़ों को अपने खाने में, अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। फाइबर युक्त सब्जियां, फ्रूट्स और सलाद को अपने खाने में शामिल ज़रूर करें। इसके साथ ही साथ इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि आपको चाय और कॉफ़ी का सेवन बहुत कम करना है या बिल्कुल ख़त्म कर देना है। अपने खाने और दवाइयों के बारे में अपने डॉक्टर से राय ज़रूर करें। तो ये थी ज़रूरी जानकारी कि रमज़ान में डायबिटीज़ और हार्ट के मरीज़ किस तरह रोज़ा रख सकते हैं। इसी जानकारी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, बहुत जल्द मिलेंगे। फिलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई पर बस इतना ही।